नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ मैन गेटिंग डाउन फ्रॉम अ रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड बिकॉज चार ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं पहला ऑप्शन है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट रोड इज लेफ्ट बिहाइंड एंड मैन रीच इज फॉरवर्ड दूसरा ऑप्शन है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अपर पार्ट ऑफ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वाइल्ड फीट कम्स टू रेस्ट एज सोन एज दे टच द रोड ऑप्शन नंबर सी है ही लीन्स फॉरवर्ड एज अ मैटर ऑफ हैबिट ऑप्शन नंबर डी है ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल थ्री फैक्टर्स एज स्टेटेड इन ए बी एंड सी नाउ इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिकॉज जब आपकी इसे फॉर एग्जाम्पल फॉरवर्ड डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो उसी मोशन में है अब अगर सम्बड़ी हो जंप्स तो जैसे ही वो जम्प करते हैं तो अपर बॉडी मोशन में है उस ट्रेन uh, से कोई या फिर uh, बस से कोई जब जम करते हैं तो वो जैसे जम किया अपर बॉडी उसी मोशन में है लेकिन पैर जैसे ही ज़मीन पे टच करते हैं वो रेस्ट पे आ जाता तो रिलेटिवली पैर पीछे जा रहे हैं और बॉडी आगे की तरफ गिरती है सो तो इसका रीज़न है इनर्शिया ऑफ मोशन ऑप्शन नंबर बी विड बी द राइट आंसर और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जब भी बस से या ट्रेन से पहले तो उतरना नहीं चाहिए ठीक है चलती बस से चलती ट्रेन से लेकिन अगर आपको उतरना ही पड़े और आप चाहते ही हैं तो अगर ये ट्रेन चल रही है बस चल रही है और आप अगर उतरें तो हमेशा आगे की तरफ फेस करके उतरें बिकॉज यू कैन स्टिल अप अगर आपने बस इधर जा रही है ऐसे करके हो पीछे की तरफ झटका लगेगा एंड डेफिनेटली uh, हम गिरेंगे उस केस में हालांकि सो so, इस सवाल का हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर